देखिए, आपको पता है कि अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है और हम सभी यही चाहेंगे कि बहुत ही शांति से मनाएं, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। उसके लिए सब डिवीजन चंबा में हमने जो प्लेस नोटिफाई किए हैं, एक प्लेस पुलिस ग्राउंड बारगा और सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया ग्राउंड और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुखरी का ग्राउंड है और ग्राउंड नियर 0 पॉइंट चूड़ी ब्रिज नियर थरवाला। ये जो चार प्लेसेस हैं चंबा सब डिवीजन में नोटिफाइड किए गए हैं। मेरी सबसे आग्रह ये है कि जितने भी जो क्रैकर सेलर्स हैं वो सभी अपना प्रॉपर जो है वो इस ऑफिस से लाइसेंस लें, अपना परमिशन लेटर लें, बिना परमिशन के कोई ना बेचे। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि खुले में बेचें, जहाँ पे जो जगह नोटिफाई की है वहीं पे बेचें, भीड़ भाड़ इलाकों में इस चीज़ से बचें, क्योंकि आगजनी की जो है घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस सीज़न में, त्यौहार का सीज़न है। एंड जो लोग इन आदेशों की अवहेलना करेंगे, डेफिनेटली जो भी है एज पर रूल जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है वो आम जन मानस से जुड़ा होता है और बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी अगर इस तरह का कोई अवहेलना करता पाया गया। इसके लिए जो है हमने रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन में तहसीलदार चंबा, नए तहसीलदार पुखरी, नए तहसीलदार वाला जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे इसके लिए। एंड सेफ्टी गाइडलाइंस की जो अनुपालना कराने के लिए हमारी जो एक कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है यहाँ SDM ऑफिस से, इसमें SHO साहब हैं, फायर ऑफिसर साहब हैं, BDO चंबा महिला हैं, EOMC चंबा हैं, तो ये अधिकारी भी इनको भी यहाँ से निर्देश चले गए हैं कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें। और मैं मीडिया के माध्यम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसा कोई अवहेलना करता हुआ पाया गया तो काइंडली जो है वो इन अधिकारियों को और इस ऑफिस को सूचित करें, डेफिनेटली जो है एक्शन लिया जाएगा अगर कोई इसके आदेशों की अनुपालना करेगा।